पता नहीं था कि ऐसा भी कोई रिकॉर्ड बन सकता है कि एक गाना रेडियो पे सबसे ज़्यादा बार 24 घंटे में बनाया बजाया जाएगा। अब मेरे ख्याल से ये बहुत ही धांसू चीज़ है। आई एम जस्ट हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। यू नो रहमान सर इज अ गॉड, इज अ जीनियस एंड ऑब्वियसली इज एवरीबडीज फेवरेट इंक्लूडिंग मी। एंड इनके साथ ही होना था, किसी और के साथ होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब्बास टायरवाला, आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज अ लिरिसिस्ट, एज अ फिल्म मेकर, उनके साथ हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम रियली हैप्पी दैट मैं यहाँ पर हो सकता हूँ टू रिप्रेजेंट एवरीबडी फ्रॉम द क्रू, फ्रॉम द कास्ट हु वर पार्ट ऑफ द फिल्म, टू से थैंक यू रेडियो सिटी एंड थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू रहमान सर। About this wonderful little thing that we are trying, I find it so delightful, so wonderful कि जो गाना हम सबको इतना पसंद है, जो गाना एक्चुअली फिल्म में था नहीं, जो गाना फिल्म खत्म होने के बाद रहमान साहब ने सुना, फिल्म को देखा और कहा कि I think this movie needs a title track। मुझे इस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ है कि इस हफ्ते फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, जुलाई से 22 तारीख को रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म बहुत पहले से काम चल रहा है इस पर और ये होता है कि आप काम करते रहते हो, आपको रिजल्ट का पता नहीं चलता, कि फोकस वहाँ पर नहीं है कि रिलीज़ हो रही है फिल्म। तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल से फ्राइडे को जाके मुझे कुछ रियलाइज़ होगा, बट एक्चुअली मुझे कुछ लग नहीं रहा लग सा कि वाओ फिल्म रिलीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है। अच्छी फिल्म है, आई एम श्योर एवरीबडी लाइक इट। ऑब्वियसली बहुत लोग को लगता है कि मेरा रोल मेरे इमेज जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेरी इमेज से एक चीज़ कनेक्टेड है कि मैं नॉर्मली वो चीज़ नहीं करता जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं वैसे ही दिखूंगा, बट वैसा नहीं है। इनफैक्ट ओनली समवन लाइक अब्बास टायरवाला कैन लुक एट मी एंड से हे आई थिंक ही विल डू अ गुड जॉब लाइक दैट। इससे पहले मेरे काफ़ी रोल्स ऑफर हुए थे, बट वो सब उसी टाइप के थे जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैंने किए नहीं।